हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल टुडे माय वीडियो इज ऑन द टॉपिक ऑफ़ हिस्ट्री ऑफ कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक्स किसने इन्वेंट किया कहां से आया और किसने पहले यूज़ करना स्टार्ट किया और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते थे आई विल टेल यू इन दिस वीडियो तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए नाउ लेट्स गेट्स स्टार्टेड रोमन वोमेन थी जिसने जो है वो मेकअप इन्वेंट किया और सबसे पहले इजिपशियंस ने मेकअप का यूज़ स्टार्ट किया अपने अपेयरेंस को इनहानस करने के लिए कॉस्मेटिक का यूज़ स्टार्ट किया कई सालों से डिफरेंट टाइप का जो है वो कॉस्मेटिक यूज़ किया जाता है और मैन और वोमेन दोनों कास्मेटिक्स यूज़ किया करते थे बहुत मैन और वोमेन जो है वो इजिप्ट में यूज़ किया करते थे ऑयमेंट्स एंड सेंटेड ऑयल उनकी बॉडी उडोर जो है वो रिमूव हो जाए और उनकी स्किन जो है वो सॉफ्टन हो जाए परफ्यूम्स जो हैं वो यूज़ किए जाते थे एज अ पार्ट ऑफ देयर रिलीजियस रिचुअल्स नेचुरल सब्सटेंसेस से बने हुए होते थे सचेज़ थाइम पेपरमेंट रोजमेरी रोज एलोवेरा एंड ऑयल सचेज सीसेम आलमंड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल यूज़ होता था परफ्यूम बनाने के लिए ऑयल्स और क्रीम्स जो हैं वो यूज़ की जाती थी लोगों की स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए हॉट सन से और ड्राई विंड से कैस्टर ऑयल जो है वो यूज़ किया जाता था एज अ बाम कि उनके लिप्स को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए और स्किन को और बहुत सी स्किन क्रीम्स में यूज़ किया जाता था इजिप्ट में वो जो है वो बेरीज़ यूज होती थी स्किन के ऊपर लिप्स पे और आईज पे डिफरेंट मिनरल्स से और इंसेक्ट्स से जो वो बनाए जाते थे जो कि मेकअप और कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते थे कहल मेकअप जो है वो बनाया जाता था ब्लैक मिनरल जिसको गलैना कहते हैं उसको मिक्स करके एनिमल फैट के साथ और सल्फ़र के साथ ताकि वो एक आई लाइनर जो है लुक क्रिएट कर सके और ये एक रेमेडी की तरह भी यूज़ होता था आई इन्फ्लेमेशन में या फिर जो वो सन की रेस से जो वो में प्रोटेक्ट भी करता था जापान में जो है वो सेफ्लार पेटल्स को जो क्रश करके लिपस्टिक बनाई जाती थी और पेंट बनाया जाता था आईब्रोज के लिए आईज के लिए और लिप्स के लिए बिन्सक वैक्स की जो स्टिक है वो यूज़ होती थी एज अ बेस चाइनीज़ जो है वो अपने नेल्स को कलर करते थे अरेबिक गैलेटिन बीस वैक्स और एग वाइट के मिक्सचर को रब कर ग्रीक के लोग भी जो है वो कोहल यूज़ करते थे अपनी आइज़ को आउटलाइन करने के लिए अपने चीक्स और लिप्स को कलर करते थे विद वर्मिलियन वोमेंस जो हैं वो वाइट लीड अपने फेस पे रखा करती थी ताकि उनका जो कम्प्लेक्शन जो है वो लाइटन हो जाए रोमांस जो है वो फेशियल करा करते थे और उनका फेशियल जो है वो बना हुआ होता था या तो ब्रेड और मिल्क को कंबाइन करके या फिर फ्लोर और मिल्क को कंबाइन करके या फिर जो है वो फ्लोर या फिर फ्रेश बटर को कंबाइन करके नोबल वुमेन जो है वो अपने हेयर डाई करती थी रेड मिडिल क्लास वो डाई करती थी अपने हेयर ब्लैंड एंड लोअर क्लास वुमेन उनको ब्लैक हेयर डाई करने की परमिशन होती थी विक्टोरियन ऐज में मैन और वुमेन जो है वो अपने ऊपर जो फेशियल मास्क लगाया करते थे और उनका ये ब्यूटी मास्क जो है बना हुआ होता था नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से सचेस हनी एग रोटमिल्स फ्रूट एज वेल एज मिल्क वोमेंस जो है वो अपने चीक्स को पिंच किया करती थी और अपने लिप्स को बाइट करती थी ताकि जो है वो उनके फेस के ऊपर नेचुरल कलर आ जाए प्रेशियन वमेन जो थी यानी कि ग्रीक की जो वोमेन होती थी वो क्रश्ड मलबेरीज को यूज़ किया करती थी एज ब्लश ऑक्सिन जो कि एक मैमल है उस वो यूज़ किया जाता था फेक आई बनाने के लिए जापानीज और चाइनीज सिटीजन जो थे वो राइस पाउडर यूज़ किया करते थे अपने फेसिस को वाइटन करने के लिए और चॉक भी यूज़ करते थे फेस पाउडर की जगह ऑकर क्लेस रेड आयरन के साथ जो है वो यूज़ किया जाता था लिपस्टिक बनाने के लिए बार्ले फ्लावर और बटर जो है वो यूज़ किया करते थे रोमांस पिंपल्स के लिए पिंपल्स को रिमूव करने के लिए शीप फैट और ब्लड यूज करते थे अपने नेल्स को पेंट करने के लिए मर्द बाथ्स बहुत पॉपुलर हो गई थी और जो बहुत जैसे कि मर्द जो है बहुत बेनिफिशियल है हमारे स्किन के लिए मैन जो है वो अपने हेयर ब्लड डाई किया करते थे है ना दैट इज़ मेहंदी वो यूज़ की जाती थी डिफरेंट डिज़ाइन बनाने के लिए फीट पर और हैंड्स के ऊपर और जो है वो यूज़ की जाती थी हेयर को डाई करने के लिए भी ट्विजिंग और शेविंग जो है वो आईब्रोज की की जाती थी ताकि उनका फोरहेड जो है वो एक्सपेंड हो जाए कुछ मैन भी जो है वो कॉस्मेटिक यूटिलाइज़ करते थे अपने अपेयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए और जो है अपने स्किन डिफेक्ट्स को, को कवर करने के लिए जिससे जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका इंक्रीज़ होता था सबसे अच्छी बात यह है कि मेकअप जो है वो मॉडर्न ज़माने में भी जो है वो चेंज नहीं हुआ है ना मेकअप ना कॉस्मेटिक्स ये जो है सिर्फ ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है जो कि उन प्रोडक्ट्स में जो डेंजरस और डेडली जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते थे उनको जो है वो सेफर वन से जो है वो कन्वर्ट किया है लेकिन जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो अभी चेंज नहीं हुआ है पॉजिटिव थिंग जो है वो मेकअप के बारे में ये है कि वो आपका जो है अपेयरेंस जो है वो फिजिकली चेंज नहीं करता सिर्फ आपको ब्यूटीफाई करता है आपकी इन को परफेक्ट करता है दैट्स इन प्रोडक्ट्स का यूज जो है वो पास्ट में जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से हुआ करता था सच एज प्रोटेक्टिंग स्किन फ्राम सन या फिर जो है वो अपने अपेयरेंस को ब्यूटीफाई करने के लिए इजिपशियंस के बाद जो है वो फिर फ्रांस ने और इटली ने जो है वो कॉस्मेटिक्स मैनुफेक्चर करना स्टार्ट किया